हुकूमत का जाते जाते आवाम को रिलीफ, पेट्रोल 9 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल 7 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत 262 रुपए से कम होकर 253 रुपए लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल का रेट 260 रुपए 50 पैसे से कम होकर 253 रुपए 50 पैसे हो गया। वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कोई तब्दीली नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का ऐलान। सियासी मफादात के लिए मुल्की मफाद को दांव पर लगाया गया। गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से अमरीका के साथ ताल्लुकात खराब हुए। 15 माह इन ताल्लुकात को ठीक करने में लग गए। एमडी ने कहा, माजी में माहदे की पासदारी नहीं की गई। बिजली महंगी करना आईएमएफ की शर्त है, मगर गर्दिशी कर्जों की वजह से ये हमारी जरूरत भी है। डिफॉल्ट से बचना बहुत बड़ी कामयाबी है। चीन की मदद के बगैर आईएमएफ माहदा नामुमकिन था। आज नाउ और नेवर वाली सूरत हाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान से खिताब। इंतखाबात से पहले सियासी राब्तों में तेजी। आसिफ जरदारी की लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। निगरान सेटअप समेत मुख्तलिफ सियासी अमूर पर मुशावरत। निगरान वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट के बजाय सियासतदान को बनाने पर गौर। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म की दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने की यकीन दहानी। आसिफ जरदारी ने असम्बलियों की मुद्दत अगस्त के दूसरे हफ्ते में खत्म करने की तजवीज़ भी दे दी। हमारी सारी तवज्जो मईशत की मजबूती पर है। शहबाज शरीफ की साबिक सदर से बातचीत। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गई, इसे मिलकर साफ कर रहे हैं। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू, मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज पर। की जमानत मंजूर होने के बाद रिहाई की रूपकार जारी। वकला शाम के बाद रूपकार लेकर जेल पहुंचे। कैंप जेल के बाहर सारा दिन मौजूद रहने वाली पुलिस और वकला वापस चले गए। साबिक वजीर आला की रिहाई न हो सकी। परवेज इलाही की जमानत एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग जराइम कोर्ट ने मंजूर की थी। जीआईटी के चेयरमैन पीटीआई से 9 मई के बारे में मुख्तलिफ सवालात। मुल्क में जो हुआ टारगेट और तरीका वारदात एक था। सबूत है कि आपने कारकुनों को मुश्तिल किया और अहकाम दिए। जीआईटी का सवाल, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, सब मर्जी से मुख्तलिफ मकामात पर गए, जो हुआ इसमें प्लानिंग नहीं थी। चेयरमैन पीटीआई का जवाब, जीआईटी ने मुख्तलिफ वीडियोज और तस्वीर भी दिखाई। सरबराह तहरीक इंसाफ ने इन्हें मानने से इनकार कर दिया। ये मेरे लोग नहीं, वापस आऊंगा और आपको तमाम कार्रवाइयों का जवाब देना होगा। चेयरमैन पीटीआई। खवातीन के बुनियादी हकूक से मुतालिक पॉलिसीज मौजूद हैं। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में कानून साजी भी हो चुकी। मसला कानून के निफाज का है। तमाम जजेस इन कवानीन को सपोर्ट करते हैं। अदालतें ना पॉलिसीज बनाती हैं ना कवानीन, हम सिर्फ इन पर अमल दरामद करा सकते हैं। हुकूमतें हिचकिचाहट का मुजाहरा करें तो अदालतों से रजू किया जा सकता है। खवातीन को अपने बुनियादी फैसले लेने के लिए आज़ादी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का कौमी कॉन्फ्रेंस के अख्तितामी सेशन से खिताब। कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का जहांगीर रोड और जोहर चौरंगी अंडरपास का दौरा। बरसाती नाले और अंडरपास के तामीराती काम का जायजा लिया। तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। जोहर चौरंगी पुल के बाद अंडरपास से भी आवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब। सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड सुलेमान की लाला अमर सिंह और भोंडी के करीब हिफाजती बंद टूट गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें जेरे आप आ गई। दर्जनों देहात मुतासिर। इलाका मकीन घरों तक महसूर। इंतजामिया मदद को ना पहुंची। मकीन शिकवा गुना। बहावल नगर चकचाविका और पतन पुल के करीब भी बंद टूट गया। इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। लोगों की नकल मकानी।